दुश्मन से छुटकारा। नमस्कार भक्तों, कैसे हो आप सब? भक्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा वशीकरण मंत्र और विधि लेकर आई हूँ जिसके उपयोग से आप अपने जीवन के सबसे बड़ी समस्या से समाधान पा सकते हैं। आज के युग में हर व्यक्ति के, हर इंसान के कोई ना कोई दुश्मन होता है। कोई आपके पड़ोस में रहता है, तो कोई ऑफिस में रहता है, तो कोई आपके प्रॉपर्टी के लिए होता है। और ऐसे दुश्मनों से आप बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप उसे छुटकारा कैसे पाए। तो भक्तों, परेशान मत होइए, मैं आपके लिए एक ऐसा सिद्ध किया हुआ वशीकरण मंत्र लेकर आई हूँ जिसके उपयोग से आप अपने दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आपको इस सिद्ध किया हुआ वशीकरण मंत्र को करने के लिए आपको कुछ विधियां करनी है। उस विधियों में कुछ सामग्रियां लगेंगी, जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ। एक पुतला चाहिए इस तरह का, ध्यान रहे काला पुतला ही होना चाहिए। एक नींबू, 6 लौंग, एक लाल कपड़ा, सिंदूर और एक चाकू। भक्तों, इसे आप काला जादू टोटका या बंगाल में जो काले टोटके होते हैं उस तरह से इसे, जैसे वो लोग उपयोग करते हैं वैसे ही सेम आपको इसे भी उपयोग में करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको लाल कपड़े पर इस तरह से पुतले को लिटा देना है। अब आपको नींबू लेना है। नींबू के ऊपर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे आप परेशान हैं, जिससे आपको दिक्कतें हैं। तो आइए दिखाती हूँ आपको नाम कैसे लिखना है। तो भक्तों, आपको इस तरह से नींबू पर नाम लिखना है। अब आपको नींबू को उसके पास रख देना है। आपको एक बड़ा सा खिला लेना है और उस खिले को उसके सर के पास यहां आपको गाड़ना है इस तरह से। अब आपको नींबू लेना है, नींबू को इस तरह से रखना है और नींबू को धीरे धीरे काटना है। भक्तों ध्यान रहे, आपको नींबू सीधा उसके नाम के ऊपर काटना है। आपको इस वशीकरण मंत्र का जाप करना है, मतलब कि मंत्र को पढ़ना है, वो भी 111 बार। भक्तों, इस तरह से आपको धीरे धीरे नींबू को काटना है और इस वशीकरण मंत्र को पढ़ना है। इस तरह से आपको आधी नींबू काटनी है। अब इस नींबू को इसी के ऊपर ऐसे रखना है। इसमें आपको ये 6 लौंग है, इस 6 लौंग को आपको इस नींबू में ऐसे डालना है। ध्यान रहे, फिर से आपको 6 बार इस वशीकरण मंत्र को पढ़ना है नींबू में डालते समय। इस तरह से आपको 6 लौंग डालने हैं, उसके बाद आपको सिंदूर लेना है इस तरह से, उसमें छिड़काव करना है। तो भक्तों, आपने देखा इस विधि को मैंने कैसे किया। अब आपको कपड़े को इस तरह से लपेट लेना है और इसे ले जाकर किसी शमशान घाट में 12 बजे रात को दफना देना है। ध्यान रहे, आपको कोई देख ना पाए और चुपचाप आपको बिना पलटे घर वापस आना है। अगर आपको नहाना है दोस्तों, 40 दिन बाद अगर आपने इसको बाहर नहीं निकाला तो वो दुश्मन मर जाएगा। और इस विधि के तुरंत 2-3 दिन बाद आपके दुश्मन की हानियां शुरू हो जाएंगी, जैसे कि रोजगार में हानि, उसकी स्वास्थ्य में हानि, परिवार में हानि, ऐसी तमाम तरह की परेशानियां, उसकी दिक्कतें उसके जीवन में आ सकती हैं। तो दोस्तों, अगर इस विधि को करने में कोई समस्या या परेशानी हो रही हो तो आप हमारे इस नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यह हमारे गुरुजी का नंबर है, आपकी सारी परेशानियों का वो निवारण करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।